वेलकम आर्य। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ह्यूमन के बॉडी में 206 बोन्स होता है, और वो 206 बोन्स किस ऑर्गन में, किस पार्ट में कितना बोन्स पाया जाता है, आज हम यही बताएंगे। टोटल बोन्स को हम लोगों ने दो भागों में बांट डाला है। फर्स्ट, जिसे हम लोग एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, और सेकेंड, जिसे हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स आता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल 126 बोन्स आता है। बाय दिस वे टोटल इंक्लूडिंग बोथ 206 बोन्स। फर्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स पाया जाता है। किस ऑर्गन में कितना बोन्स पाया जाता है उसके बारे में देखेंगे। पहले देखिए, एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स है। एक्सियल स्केलेटन में जो पहला पार्ट है वो आप स्क्यूल देख पा रहे हैं, स्क्यूल जिसे आप खोपड़ी के नाम से जानते हैं उसके बारे में। स्क्यूल होता कहाँ है, तो ये जो हेड आप देख पा रहे हैं, टोटल फेस वाला पार्ट है, इस टोटल को हम लोग स्क्यूल कहते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो होता है वो 29 होता है, ठीक है। और 29 बोन्स जो स्क्यूल में टोटल है, कहाँ कितना बोन्स है, देखिए, स्क्यूल में पहला पार्ट जो हम लोगों ने बांटा है दैट इज क्रैनियम। क्रैनियम बोन जो होता है टॉप ऑफ हेड होता है, ठीक है। क्रैनियम नंबर ऑफ बोन्स कितना होता है, तो 8 होता है। सेकेंड, फेस जो आप देख पा रहे हैं, इस फेस में फ्रंट ऑफ हेड, फेस है कहां, तो फ्रंट ऑफ हेड, इसका लोकेशन क्या है, तो इस फेस में जो नंबर ऑफ बोन्स होता है दैट इज 14। थर्ड, दैट इज हाइवाइड। हाइवाइड जो है वो लोकेशन कहाँ है, हाइवाइड बोन कहाँ पाया जाता है, तो बेस ऑफ टोंग, दिसमीन्स यहाँ पे एक हाइवाइड, एक बोन पाया जाता है। हाइवाइड बोन का नंबर कितना होता है, तो 1 होता है। फोर्थ, जिसे आप लोग ईयर ओसिकल्स के नाम से जानते हैं, ओसिकल्स मीन्स बोन होता है, जिसमें जो बोन ईयर में पाया जाता है दैट इज कॉल्ड ईयर ओसिकल्स, उसका नंबर कितना होता है, तो 6 होता है। हम लोगों के पास दो ईयर है, वन पेयर ईयर्स होता है, और वन ईयर में 3 बोन्स पाया जाता है, इंक्लूडिंग बोथ ईयर टोटल नंबर ऑफ ईयर बोन्स, दिस मीन्स ईयर ओसिकल इज 6। इस प्रकार से ये टोटल जो है 8, 14, 1, 6 इंक्लूडिंग 29 बोन्स, दिस ऑल बोन्स ऑफ स्क्यूल, ओके। नेक्स्ट, दैट इज इन द वर्टिब्रा। वर्टिब्रा दैट इज नेक एंड ट्रंक, इसका लोकेशन है, और इसमें टोटल वर्टिब्रा जो है ह्यूमन बॉडी में, इसमें बोन्स जो है 26 बोन्स होता है। रिब्स का नाम आप सुने होंगे, यहाँ पर पाया जाता है, लोकेशन क्या है, तो चेस्ट साइड, ठीक है, चेस्ट साइड में रिब्स पाया जाता है, और इसमें कितना नंबर होता है इसका, तो 24 बोन्स होता है, जिसमें नंबर ऑफ रिब्स जो है 24 है। वन साइड जो है 12 होता है, अदर साइड 12 होता है। नेक्स्ट, दैट इज द स्टर्नम, जिसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, चेस्ट बोन के नाम से स्टर्नम को जाना जाता है, इसका लोकेशन क्या है, जिसमें से स्टर्नम बोन कहां पाया जाता है, तो चेस्ट फ्रंट, जिसमें चेस्ट के छाती के सामने पाया जाता है, ड्यू टू दिस रीजन इट इज ऑल्सो कॉल्ड चेस्ट बोन, इसका नंबर क्या है, तो 1 होता है। इंक्लूडिंग बोथ, दिस मीन्स स्क्यूल में 29 बोन्स, वो कौन कौन सा बोन्स है, वर्टिब्रा में 26 बोन्स, रिब्स में 24 बोन्स, और स्टर्नम का 1 बोन्स, इंक्लूडिंग ऑल टोटल 80 बोन्स, जिसे हम लोग एक्सियल स्केलेटन में होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे दूसरा पार्ट बोन्स का, दिस मीन्स 80 बोन्स के बारे में, 80 बोन्स के बारे में हम लोग जान गए।
अब हम लोग 126 बोन्स के बारे में जानेंगे, जो बोन को दूसरा पार्ट, बोन्स का दूसरा पार्ट जिसे हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं, उस अपेंडिकुलर के स्केलेटन में जितने भी बोन्स होते हैं उसका लोकेशन क्या है, तो अपेंडिजेज, इसमें लिम्ब्स, ठीक है, उसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स आप जानते हैं कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो है टोटल नंबर ऑफ बोन्स 126 होता है। और पहला पार्ट जिसे आप एक्सियल स्केलेटन के नाम से जानते हैं उसमें जो नंबर ऑफ बोन्स होता है 80 होता है, मतलब 80 होता है, और अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 टोटल 206 बोन्स। तो हम लोग एक्सियल स्केलेटन के बारे में जान गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में पहला जो बोन्स का नाम हम लोगों ने लिया है दैट इज पेक्टोरल गिर्डल्स। पेक्टोरल गिर्डल्स जो है ये कहाँ होता है, ये बोन जो है कहाँ पाया जाता है, तो शोल्डर में पाया जाता है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो है 4 होता है। पेक्टोरल में दो टाइप का बोन्स होता है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स 4 होता है। पहला जो टाइप होता है उसे हम लोग स्कैप्यूला के नाम से जानते हैं। ये जो शोल्डर का ये जो पीछा वाला पार्ट, अब चौड़ा वाला पार्ट देखते हैं, इसे हम लोग स्कैप्यूला के नाम से जानते हैं। और जानते हैं कि स्कैप्यूला एक वन साइड होता है और एक अदर साइड होता है। इसी स्कैप्यूला, हम लोग दोनों साइड की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ पाया जाता है स्कैप्यूला बोन, तो बैक ऑफ द शोल्डर, इस बोन को हम लोग कहते हैं स्कैप्यूला बोन। इसका टोटल नंबर कितना होता है, तो 2 होता है, वन साइड एंड अदर्स वन अदर साइड। दूसरा जो बोन्स होता है पेक्टोरल गिर्डल में जिसे हम लोग क्लेविकल बोन के नाम से जानते हैं, यहाँ पर जो आप बोन देखते हैं उसी को हम लोग क्लेविकल बोन कहते हैं। इसका भी नंबर क्या होता है, वन साइड एंड वन इज अदर साइड। टोटल इसका भी नंबर जो होता है 2 होता है। ये क्लेविकल बोन का लोकेशन क्या है, तो टॉप ऑफ शोल्डर, ये जो कंधा है शोल्डर है इसी के टॉप पर ये जो बोन्स होता है दैट इज अ क्लेविकल बोन्स। नेक्स्ट जिसे हम लोग आर्म्स के नाम से जानते हैं, आर्म्स में टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो है, अपर आर्म्स की बात करेंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो है वो 60 होता है। कितना होता है, 60 बोन्स होता है। तो अभी आपने अपेंडिकुलर स्केलेटन में जाना कि टोटल नंबर ऑफ बोन्स 126 होता है, जिसमें से पेक्टोरल गिर्डल में आप जानेंगे कि 4 बोन्स होता है, और आर्म्स में जो है टोटल बोन 60 होता है, इसमें 64 बोन अभी आप जानेंगे। इसमें जो 60 बोन्स होता है कौन होता है, देखिए ह्यूमरस, ये जो इसे आप एल्बो के नाम से जानते हैं, और एल्बो के ऊपर वाला पार्ट जो होता है जिसे हम लोग यहीं पे जो अपर आर्म जिसे कहते हैं, ये कौन सा बोन्स है, तो इसमें नंबर ऑफ बोन्स जो है 1 पाया जाता है, और यहाँ पे नंबर ऑफ बोन्स 1 पाया जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो है यहाँ पे कौन सा बोन्स है, तो नेम ऑफ बोन्स जो होता है वो ह्यूमरस होता है, और ह्यूमरस बोन, और पाया कहाँ जाता है, तो अपर आर्म में, और इसका नंबर क्या है, तो 2 होता है। वन हैंड में 1 होता है, तो वी आर ह्यूमंस एंड वी हैव 2 hands due to this reason 2 humerus is present, ठीक है। सेकेंड जिसे हम लोग रेडियस होता है, ये देखिए जो आप एल्बो देख पाते हैं, एल्बो के नीचे का जो पार्ट है उसमें 2 बोन्स पाया जाता है, एक रेडियस होता है एक अल्ना होता है। तो रेडियस कहाँ है, तो फोर आर में पाया जाता है, फोर आर में, इसका भी नंबर 2 होता है। अल्ना जो भी फोर आर में पाया जाता है उसका भी नंबर 2 होता है। ये जो कार्पल आप देख पाते हैं, कार्पल बोन है, कहाँ पाया जाता है, तो रिस्ट में, जिसे आप कलाई के नाम से जानते हैं, इसी रिस्ट में कार्पल बोन पाया जाता है, और इसका नंबर जो होता है 16 होता है। पेयर की बात कर रहे हैं माय डियर, वन रिस्ट में नंबर ऑफ बोन्स कार्पल बोन जो है 8 होता है, लेकिन वी आर ह्यूमंस, हम लोगों के पास 2 कलाई होता है, तो 1 कलाई में 8 बोन्स पाया जाता है, तो 2 कलाई में 60 बोन्स होगा ना, वेरी नाइस। मेटा कार्पल बोन, ये जो पल्म आप देख पा रहे हैं, ये पल्म में मेटा कार्पल बोन पाया जाता है, इसका भी नंबर 10 होता है, ठीक है। फ्लैंजेज बोन, कहाँ पाया जाता है, तो ये जो आप फिंगर देख पाते हैं इसी फिंगर में फ्लैंजेज बोन पाया जाता है। टोटल नंबर ऑफ फ्लैंजेज बोन जो है इंक्लूडिंग बोथ हैंड कितना होता है, 28 होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक जो है वो है पेल्विक गिर्डल। पेल्विक गिर्डल का बोन जो है उसका लोकेशन क्या है, पेल्विक गिर्डल का बोन जो है कहाँ पाया जाता है,
तो हिप में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हिप में। इसका नंबर कितना होता है? तो 2 होता है। देखिए इसमें टीमो बोन्स पाया जाता है, इलियम इस्कियम और प्यूबिस बोन, लेकिन ये फ्यूज होकर 2 बोन का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए लेग्स में, लेग में जिसका पोजीशन अगर पूछेंगे तो ग्लो ट्रंक होता है और इसमें टोटल नंबर ऑफ बोन जो है 60 पाया जाता है। पहला बोन देखिए फीमुर, फीमुर बोन जो है थिंग में पाया जाता है, जांग में, और इसका टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितना होता है? 2 होता है। माय डियर हम पेयर की बात कर रहे हैं, हम लोगों के पास 2 पैर होता है, तो 2 पैर होता है तो 2 जांग भी तो होता है, तो 1 जांग में 1 बोन, अदर जांग में 1 बोन। तो फीमुर बोन जो है थाई में पाया जाता है और टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितना है? 2 होता है। पैटीला बोन जो नी में पाया जाता है और इसका भी टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितना है? होता है 2 होता है। टीबिया बोन जो कि सैंक में पाया जाता है, देखिए सैंक में टीबिया बोन और फिबुला बोन पाया जाता है, तो टीबिया का नंबर भी 2 होता है और फिबुला का नंबर भी 2 होता है। टार्सस बोन कहाँ पाया जाता है? तो एंकल में पाया जाता है और इसका नंबर 14 होता है। मेटाटार्सस बोन जो है फुट में पाया जाता है और इसका नंबर जो है 10 होता है। फ्लैंजेस बोन जो है माइटोट्रॉयस में पाया जाता है, फिंगर में, पैर का उंगली जो होता है उसमें, टोटल नंबर ऑफ बोन जो है 28 होता है। इस प्रकार से टोटल 206 बोन्स के बारे में आप जान चुके हैं। माय डियर, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए।